नमस्कार। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रेशमा। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। जगदलपुर में भरोसे का सम्मेलन में शामिल हुई प्रियंका गांधी, कहा बस्तर से विशेष लगाव, बचपन से बस्तर के लोगों का संघर्ष सुना है। प्रियंका गांधी ने अबूझमाड़ की आदिवासी महिलाओं से की बातचीत, नक्सल हिंसा के शिकार महिलाओं ने बताई आत्मनिर्भर बनने की कहानी। और प्रदेश में जल जीवन मिशन के ठप पड़े कार्यों पर नाराज हुए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा लोगों को पानी नहीं मिला तो छत्तीसगढ़ सरकार होगी जिम्मेदार। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जगदलपुर में आयोजित भरोसे का सम्मेलन में शामिल हुई। माँ दंतेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना के बाद वे सभा स्थल पर पहुंची। उन्होंने कहा कि मेरे परिवार का बस्तर से विशेष लगाव रहा है। मैं यहाँ पहली बार आई हूँ, लेकिन मैं बचपन से बस्तर के बारे में, यहाँ के लोगों के संघर्ष के बारे में सुनती आई हूँ। राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि आज बस्तर एक ब्रांड बन गया है। देश में ही नहीं विदेश में भी यहाँ के उत्पादों का उपयोग हो रहा है। मेरी दादी कहती थी कि सबसे अच्छी संस्कृति आदिवासी होती है, क्योंकि आप लोग बिना प्रकृति का नुकसान किए जीवन यापन करते हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि बस्तर की महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं। जब हम कमाती हैं तो हमारे में आत्मविश्वास आता है कि हम भी परिवार में कुछ कमा कर लाई हैं। भारतीय जनता पार्टी की 15 साल की सरकार ने बस्तर के लोगों को सरकार पर निर्भर बनाया, कांग्रेस सरकार ने उन्हें आत्मनिर्भर बनाया। प्रियंका गांधी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तारीफ करते हुए कहा कि भूपेश बघेल जी कभी नकारात्मक बातें नहीं करते। जब भी यहाँ के मुख्यमंत्री मुझसे मिलते हैं, कभी भी किसी की चुगली, नकारात्मक बात नहीं करते। लोगों के लिए कुछ करने, बेहतर करने का निश्चय जितना बघेल जी में देखती हूँ, उतना किसी में नहीं दिखता। जब भी मैं बघेल जी के साथ काम करती हूँ, उनसे मिलती हूँ, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, कभी नकारात्मक बातें नहीं करते, कभी किसी की चुगली, किसी के बारे में कुछ उल्टा सीधा कभी नहीं करते। हमेशा जब भी आते हैं वो मुझे बताते हैं कि छत्तीसगढ़ के लिए कौन सी नई योजना बनाई है, कैसा नया काम किया है, और मैं उनके चेहरे पर ये देख पाती हूँ कि उनके दिल में सचमुच आपके लिए प्रेम है, आपको आगे बढ़ाने की इच्छा है। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में आयोजित भरोसे का सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल हुई कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने आदिवासी महिलाओं से बातचीत की। प्रियंका गांधी ने महिलाओं से उनके आत्मनिर्भर बनने की कहानी भी पूछी। नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ के ग्राम गुमिया बेड़ा की सीताबाई और ग्राम उसे बेड़ा की पालेबाई ने बताया कि नक्सलियों ने उनके परिवार के सदस्यों की हत्या कर दी थी, जिसके बाद परिवार के साथ वे अबूझमाड़ छोड़कर नारायणपुर आकर बस गए। उन्होंने कहा कि हम अनपढ़ हैं, कमाने का कोई साधन नहीं था, लेकिन छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने बांस शिल्प का प्रशिक्षण दिया। अब बांस के सामान बनाकर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मार्गदर्शन पर बांस शिल्प वनवासियों के रोजगार का आधार बना है। अबूझमाड़ में निवास करने वाले वनवासी परिवार के लोगों को रोजगार मूलक बांस शिल्प के कार्य से जोड़ा गया है। नारायणपुर जिले के बांस शिल्प जनजातीय परिवार के लोगों को निरंतर बांस शिल्प के कार्यों का प्रशिक्षण दिया गया है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एवं जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने रायपुर कलेक्टर कार्यालय में जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठक ली। केंद्रीय मंत्री ने प्रदेश में मिशन के ठप पड़े कामकाज पर नाराजगी व्यक्त की। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एवं जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि 10 में से 9 टेंडर रिजेक्ट हुए। मंत्री ने अधिकारियों को मार्च 2024 तक इस योजना का काम पूरा करने को कहा। केंद्र इस साल 70,000 करोड़ जल जीवन मिशन पर खर्च करेगा। बैठक में जल जीवन मिशन के सचिव डॉक्टर एस भारतीदासन, MD जल जीवन मिशन आलोक कटियार, MD स्वच्छ भारत मिशन संजय अग्रवाल, रायपुर कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर मौजूद थे। मंत्री प्रहलाद पटेल ने बताया कि जल जीवन मिशन के काम में छत्तीसगढ़ गति नहीं पकड़ पाया, मल्टीब्रिज स्कीम में टेंडर में काम नहीं हो सका। अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने लक्ष्य रखा 20 ब्लॉक में हर घर जल पहुंचाने का, एक में भी काम नहीं किया, फिर जिलों में काम नहीं हुआ, यह खुद राज्य के अधिकारियों ने जानकारी दी। अगर अब हर घर में जल नहीं पहुंच पाएगा तो इसकी जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ सरकार को लेनी होगी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने सेंट्रल हॉल में भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर के तैलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया। डॉक्टर महंत ने विधानसभा के नए भवन में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा लगाने की घोषणा की है।
विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा कि बाबा साहब अंबेडकर एक मनीषी, योद्धा, विद्वान, दार्शनिक, संविधान निर्माता, वैज्ञानिक, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ, समाज सुधारक और योग्य प्रशासक थे। उन्होंने दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया और अछूतों से सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध एक अभियान चलाया और उन्हें इस अभिशाप से मुक्ति दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा का नया भवन नवा रायपुर में मंत्रालय और एचओडी बिल्डिंग के ठीक सामने तैयार किया जा रहा है। नए भवन का निर्माण 51 एकड़ भूमि पर लगभग 270 करोड़ की लागत से किया जा रहा है, जिसमें भवन 52,497 वर्ग मीटर में होगा। नए भवन में विधायकों के बैठने की क्षमता के आधार पर सदन का निर्माण किया जा रहा है। दरियाबंद जिले के मैनपुर ब्लॉक मुख्यालय के आश्रम और छात्रावासों में एक दिन में 39 छात्र छात्राएं कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मैनपुर के आश्रम में 24 बच्चे तो वहीं हरदी भाटा में 15 बच्चे कोविड-19 पॉजिटिव मिले हैं। बता दें कि मैनपुर में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 43 पहुंच गई है। कोरोना पॉजिटिव छात्र छात्राओं को क्वारंटाइन किया गया है। वहीं स्वास्थ्य महकमा भी हाई अलर्ट पर है। छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटों में कोरोना के 370 मरीज मिले हैं। इस दौरान 2 लोगों की मौत भी हुई है। रायगढ़ और राजनांदगांव में एक एक मरीज की मौत कोरोना से हुई है। प्रदेश में फिलहाल एक्टिव मरीजों की संख्या 1,260 हो गई है। पॉजिटिविटी दर बढ़कर 7.51% हो गई है। सबसे ज्यादा एक्टिव केस रायपुर, राजनांदगांव और बिलासपुर में हैं। सुकमा में एक भी एक्टिव केस नहीं है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार एक व्यक्ति की मौत कोरोना से हुई है, जबकि दूसरे की मौत कोमॉर्बिडिटी यानी कोरोना के साथ किसी अन्य गंभीर बीमारी की वजह से हुई है। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।